एक वीवर का क्वेश्चन है कि 10 क्या है, यानी हमें अपने सेंटेंसेस में कब बोलना चाहिए 10। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। 10 एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है इसलिए या इस तरह से या इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो यह एक जरूरी काम है इसलिए हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज एन इम्पोर्टेंट वर्क एंड दस वी शुड नॉट बी केयरलेस, यानी यह एक बहुत जरूरी काम है और इसलिए हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहना हो शाम हो गई थी इसलिए हम लोग वहाँ ठहरे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट वॉज इवनिंग एंड दस वी स्टेड देयर, यानी शाम हो गई थी और इसलिए हम वहाँ ठहरे। आप थक गए हैं इसलिए आपको नहाने की जरूरत है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर टायर्ड एंड दस यू नीड टू टेक अ बाथ, यानी आप थके हुए हैं और इसलिए आपको नहाने की जरूरत है। अगर आपको कहना हो इस तरीके से विवाद सुलझ गया या इस तरीके से झगड़ा सुलझ गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दस द इशू वॉज सेटल्ड, यानी इस तरीके से विवाद या झगड़ा सुलझ गया। अगर आपको कहना हो वह काम नहीं करता था इसलिए उसे भगा दिया गया या उसे निकाल दिया गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही डिडंट वर्क एंड दस ही वॉज फायर्ड, यानी वह काम नहीं करता था इसलिए उसे निकाल दिया गया या उसे हटा दिया गया या भगा दिया गया। वर्ड फायर्ड का मतलब होता है हटा दिया जाना, निकाल दिया जाना, भगा दिया जाना। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि 10 क्या है। यह मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।